Happy birthday to you. सो गुड मॉर्निंग एवरी वन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आपका आज का दिन बहुत अच्छा जाए। और आज एक बहुत स्पेशल चीज़ है, बिना इसके दिवाली हमेशा इनकम्प्लीट लगती है। तो आज किला और घर को मुझे सेटअप करना है। सो दिस इज़ प्रिटी मच ऑल द पार्ट्स, ये सारे पार्ट्स है किले के। और बेस्ट बात मैं आपको बताता हूँ कि बिना इसके दिवाली का डेकोरेशन हमेशा इनकम्प्लीट लगता है। ये एक बहुत ज़्यादा मैंडेटरी चीज़ है हम बच्चों के लिए, स्पेशली इन मराठी फैमिलीज जहाँ हर साल किला और घर को सेटअप होता है। तो मैं भी फिलहाल इसको सेटअप करता हूँ और आपको दिखाता हूँ साथ साथ। पत्थर का चुरा के ले गया। अरे ना, हमारी एब्सेंस में पत्थरों का दुरुपयोग किया जाता है क्या? काकू बोली सर यहाँ से कोठार से ले आ, एक मिला पूरा, एक वो भी आधा। ये क्या करें अब, कलयुग है। सोना वाला तो ज्यादा थोड़ा मार्बल चल रहा है बहुत कलयुग। एक आय झाला माझ्या हाताला, हात पे क्या हुआ? नहीं, दिवाली अभी क्या किसानों को भी थोड़ा सा नुकसान ज्यादा हो गया ना इस बार, हाँ दिवाली की वजह से चालू कर दिया। ओ आंटी, बरसात वगैरह में ज्यादा आंटी तो बेबी। और फाइनली किला और घरकुल सेटअप हो चुका है। आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा, मैं एक एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले चलते हैं घरकुल में। और घरकुल में ये है पूरी एक घर की बिल्डिंग है, ये किचन एरिया, ये वॉशरूम वाला एरिया है, और ये है देवघर। ये एक पूरा लिविंग स्पेस है जहाँ पे दो लोग चाय पे बैठे हुए। ये बेडरूम एरिया है और ये है घर, और ये है घरकुल का गार्डन। As you can see, यहाँ पे फूल और थोड़ी आर्टिफिशियल ग्रास और पेड़ वगैरह सब कुछ लगा है। और ये है घर का एंट्रेंस। सो ये पूरे घर कुल का सेटअप है। और अब हम चलते हैं किले पे। ये छत्रपति शिवाजी महाराज का किला रायगढ़ है, यहाँ पे महाराज बैठे हैं। और पीछे गणपति है और यहाँ पे दो माता रही है। और ये महाराज के साथ काम करने वाले सब लोग हैं और ये सारे सिपाही हैं। तो एज यू कैन सी ये पूरा सेटअप हो चुका है। ये हर दिवाली पर सेटअप करना मैंडेट होता है। ये एक दिवाली का डेकोरेशन है बच्चों की तरफ से, यू नो, थोड़ी ये छोटी छोटी चीज़ें जो बहुत फन ऐड करती है दिवाली के लिए।
अब हम चलते हैं बाबा के पास और उनसे पूछते हैं कि किला और घरकुल इस घर में कब से सेटअप कर रहे हैं। तो बाबा आप बताओ। करीब 100 साल पुराना किला है, 100 से ऊपर ही है, क्योंकि हमारी जो बुआ जी थी वो तो वो करीब उनको गुजरे हुए 15 साल हो गए, 15 और 20 साल करीब, और वो 75 के आसपास गुजरी, 75 में तो 95 साल हो गए वो खेलती थी उन खिलौने से। ये चीज़ इस घर के लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अप्रॉक्स 100 ईयर्स हो गए हैं हम लोग, अप्रॉक्स 100 ईयर के ऊपर हो चुका है हम लोग घरकुल और किला हर साल यहाँ पे सेटअप करते हैं। तो ये चीज़ मैं कंटिन्यू रखना चाहता हूँ, इसलिए मैंने लास्ट ईयर ये नया किला बनवाया था। इससे पहले वाला जो किला था वो बारिश में पूरा ख़राब हो गया था, वो इससे थोड़ा सा साइज़ में थोड़ा सा छोटा था, और लास्ट ईयर मैंने ये नया फिर से बनवाया, और इस बार पर्पज़ली मैंने किला बड़ा बनवाया ताकि ये सब लोग, बाकी घर के सब लोग ये चीज़ बंद ना करवा सके, क्योंकि लोग हर बार बोलते हैं कि छोटा लगाओ, लेकिन मैंने सबसे मना कर दिया कि नहीं छोटा नहीं लगाएंगे तो बड़ा लगाएंगे, इसलिए मैंने पर्पज़ली बड़ा किला बनवाया है। इट्स 12:40 नाउ और अब मैं नहा के रेस्टोरेंट के लिए निकलता हूँ। आज मैं जल्दी उठ गया था इसलिए मेरे पास बहुत सारा टाइम है, और भैया ऑलरेडी रेस्टोरेंट पहुँच चुका है तो मैं भी नहाने के लिए आया हूँ ऊपर। एंड बाय द वे आज मैंने आधे घंटे पहले अपना फास्ट तोड़ लिया। अलेक्सा आई एम बैक। ओके ऑलराइट गाइस एंड आई एम रेडी टू गो नाउ। अलेक्सा गुड नाइट। ओके तो ये इसका मोड कब चेंज कर सकते हैं? हाउ टू चेंज द मोड? अभी कहाँ का भी है? अभी का इकड़े लोग रेपो काय बनाता है? एक्सक्लूसिव ऑन अनिरुद्ध भट्टी वाले व्लॉग। दिस इज मी नूपुर भट्टी वाले विद हेलो राधिका भट्टी वाले ऑन द एबीएस किचन आमंत्रण, एंड टुडे वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट आदित्य भट्टी वाले बर्थडे। जिसका बर्थडे है वही तैयार नहीं है, बाकी सब तैयार हैं, बाकी हम सब रेडी हैं, पर जिसका बर्थडे है वही तैयार नहीं है। ये हमारी बहनी है। हाय सॉरी गाइस फॉर द पुअर व्लॉगिंग फॉर डेब्यू, पीस आउट। यू नो कल दिवाली है और कल भैया का बर्थडे भी है, और कल अच्छे से सेलिब्रेट नहीं हो पाएगा, इसलिए आज ऑल ऑफ सडन वहीनी ने सरप्राइज़ दिया और सारे फैमिली मेम्बर्स को लेके वहीनी रेस्टोरेंट में ही आ गई है। तो मैं आप सबसे मिलवाता हूँ और सब लोग आ गए हैं रेस्टोरेंट में। हेलो एवरीवन, सब लोग इधर देख के एक बार हाय करो। हैप्पी बर्थडे तो मना आप ला। स्टार्ट कहाँ से होता है? हो गया यहाँ से स्टार्ट, वही स्टार्ट ही तो गया। अरे यहाँ से डायरेक्ट रिकॉर्ड होता है, अगर फोन करना है तो यहाँ से ऑन होता है। ओके या अपने भाई के पद चिन्हों पे उससे कुछ सीखते हुए हम भी। ओ नो 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 14 मिनट की 16 कुछ। तो गाइस आज हम आमंत्रण में आए हैं, हमारी आई बहनी काकू मोटे बाबा पापा और दादा के साथ, और ये मेरा पहला व्लॉग है, और अभी तक हमने खींचने वाला पिज्ज़ा अद्विका की भाषा में और स्प्रिंग रोल्स और मसाला पापड़ को भी 3 और 2 वेज नूडल्स साफ कर चुके हैं, और अभी तक अभी मेन कोर्स आना बाकी है, देखते हैं हम क्या कर पाते हैं उसके साथ, हम ख़त्म कर पाते हैं कि नहीं ख़त्म कर पाते हैं। ये बहुत बड़ा टास्क है क्योंकि पेट तो सबके आधे भर चुके हैं, कोई कहे या ना कहे सबकी मन की बात मुझे पता है कि वो भी जानते हैं। ये जो बीनी बीनी हंसी है ये सब दर्शा रही हैं कि ये अंदर से सक पकाए हुए हैं कि जो शाही पनीर नहीं पनीर लबाबदार आने वाला है उसका क्या होगा। लेट्स फाइंड आउट गाइस।
जूम नहीं कर पा रही, पर प्लीज फोकस यार, दुकान में रखिए तो सारा बोर्ड जो है वो बड़े बॉय बैठे हैं इधर बुड भी ये ना हेलो गाइस एक बोल रहा है ब्लॉगर का ब्लॉग बनते हुए पनीर खा लो ठंडा और चिकन मोई सीधा कर सीधा ये 12 बजे बर्थडे बॉय अपना फर्स्ट कॉल अटेंड करते हुए बर्थडे टू यू का और इनकी धर्म पत्री अर्धांगिनी हम लोग पहुंचे हैं इसमें भी उनका साथ देते हैं चलती हाँ बस वही और इनकी मॉडल केक चाटते हुए सो गाइस इट्स अ रैप फॉर प्री बर्थडे सेलिब्रेशन ऑफ एविस किचन शेफ एंड करता धरता आदित्य भट्टी वाले दिस इज मी असिस्टेंट ब्लॉगर टू मिस्टर अनिरुद्ध भट्टी वाले साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडे बाय बाय हैप्पी दिवाली राधिका भट्टी वाले अपनी मन की बात कहेंगे मैं नूपुर को बोलना चाहती हूँ एक दिन अपनी तरफ कैमरा करेंगे क्योंकि उस टाइम बाद इसका बर्थडे आने वाला है रात को मैं बहुत लेट घर पे आया एंड आई वाज डेड टायर्ड कुछ भी करने की हिम्मत नहीं थी तो मैं वैसे ही सो गया और अभी थोड़ी देर पहले उठा हूँ तो इस व्लॉग को एंड करते हैं ऑल राइट गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो अगर पसंद आया तो डू लाइक दिस वीडियो शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में ये व्लॉग अभी इसलिए एंड कर रहा हूँ क्योंकि दिवाली के लिए मुझे एक स्पेशल व्लॉग बनाना था तो इस व्लॉग के लिए सिर्फ इतने रखते हैं बाय